बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। एक दफ़ा सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत के अंदर एक ताजिर हाजिर हुआ और फूट फूट कर रोने लगा और कहा, सुल्तान मुआज़्ज़म, दुनिया की हर आसाइश मुझे मुयसर है, लेकिन मैं एक ऐसी परेशानी में मुब्तला हो गया हूँ जिससे निकलना मेरे लिए नामुमकिन हो गया है। यह सुनकर सुल्तान ने कहा, मुझे अपनी वजह बताओ। इसने कहा, सुल्तान मुआज़्ज़म, आज से तकरीबन एक महीना पहले की बात है कि मैं एक दिन एक बाजार से गुजर रहा था तो मैंने एक बूढ़ी औरत को रास्ते किनारे देखा। इसकी खस्ता हाल शक्ल, पटे हुए कपड़े, चेहरे पर चुरिया, बिखरे हालात को देखकर मैंने इससे पूछा, अम्मा जान, आपका इस दुनिया में कोई नहीं? इसने कहा, बेटा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, मेरे घर में मेरी बीवी के अलावा और कोई नहीं था। बड़ा घर है, इसलिए मैंने सुल्तान मुआज़्ज़म इसको अपनी घोड़ी पर बिठाया, अपने घर ले आया। सुल्तान मुआज़्ज़म, सब कुछ सही चल रहा था। तकरीबन इस वाक्य को एक महीना गुजरा तो जब मैं शाम को घर लौटा तो मेरी बीवी ने जब मुझे खबर दी तो इस खबर ने मेरे पैरों तले ज़मीन निकाल दी। सुल्तान मुआज़्ज़म, इसने कहा, हजूर, मैं माँ बनने वाली हूँ। यह सुनकर सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी ने कहा, ए ताजिर, ये खबर पैरों से ज़मीन निकालने वाली क्यों है? क्या तुम्हें औलाद की ख्वाहिश नहीं? इसने कहा, नहीं सुल्तान मुआज़्ज़म, मुझे औलाद की सबसे बड़ी ख्वाहिश है। सब लोग हैरान हो गए कि जब औलाद की ख्वाहिश है तो फिर उम्मीद की खबर सुनने पर यह इतना रो क्यों रहा है? तो इस ताजिर ने कहा, सुल्तान मुआज़्ज़म, मुझे औलाद की बहुत ख्वाहिश है, लेकिन हजूर, में यह बात अच्छी तरह जानता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में कभी बाप नहीं बन सकता, और अब आप बताएं। सुल्तान मुआज़्ज़म, जब मैं बाप नहीं बन सकता तो मेरी बीवी के पेट के अंदर पलने वाला बच्चा किसका है? सुल्तान मुआज़्ज़म, मैंने जब अपनी बीवी से पूछा तो इसने रो रो कर कस्में खा खा कर कहा कि मैं कुछ नहीं जानती, मुझे आज तक किसी नामहरम ने हाथ तक नहीं लगाया। हजूर, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो गया। सुल्तान मुआज़्ज़म, मैंने अपनी तसल्ली करवाने के लिए मैंने दोबारा हकीम से अपना मुआयना करवाया तो इसने कहा, तुम्हारे अंदर बाप बनने की सलाहियत नहीं है, लिहाजा तुम्हारी बीवी तुमसे कभी माँ नहीं बन सकती। सुल्तान मुआज़्ज़म, मेरी मदद करें, अगर मैं अपनी बीवी को तलाक देता हूँ तो मैं परेशान होता हूँ कि कहीं इसके साथ ना इंसाफी ना हो जाए, और अगर नहीं देता तो अपनी बदकिरदार बीवी के साथ में एक लम्हा भी नहीं गुजार सकता। ये सुनकर सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी ने कहा, क्या तुम मुझे इस बूढ़ी औरत से मिलवा सकते हो? इसने कहा, जी हाँ सुल्तान मुआज़्ज़म। अगले दिन सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी के सामने इसने बूढ़ी औरत को हाजिर किया। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी ने इस बूढ़ी से सवाल पूछा और इससे कहा, तुम चली जाओ। और ताजिर को सुल्तान ने अपने पास बुलाकर कहा, आज रात जब बूढ़ी औरत अपने बिस्तर के अंदर सोने के लिए जाए तो इसके सोने से पहले इसके बिस्तर के अंदर। दोस्तों, ये वाक्य असल में कुछ इस तरह का है कि मिस्र के शहर सिकंदरिया के अंदर अजमल नामी एक ताजिर रहता था। वो बड़ा ही रहमदिल इंसान था। सिकंदरिया के बड़े बाजार के अंदर इसकी एक खूबसूरत दुकान थी जिसके अंदर बड़ी बड़ी कीमती अशिया थी। इसकी दुकान पर दुनिया की हर चीज़ मुयसर थी, और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वो बहुत बाइखलाक इंसान था। बाजार वाले और ख़रीदार इसके इखलाक से बड़े मुतासिर थे, और यही वजह थी कि अजमल ताजर पूरे सिकंदरिया शहर में अपने इखलाक की वजह से मशहूर हो गया था। दूर दूर से लोग अजमल ताजर के पास ख़रीदारी करने के लिए आते, और अजमल ताजर ने उन्हें अपना मुर्शिद बनाकर अपनी दुकान की हर चीज़ इनके कदमों में डाल देता, और यही वजह थी कि अजमल अपने पेशे में इतना कामयाब हो चुका था। वक्त गुजरता रहा, अजमल ताजर को एक खूबसूरत लड़की से प्यार हो गया। असल में वो लड़की कोई ख़ानदानी नहीं थी, बल्कि एक दिन अजमल ताजर अपनी दुकान पर बैठा गाहकों के साथ मसरूफ था कि इसने देखा कि एक खूबसूरत लड़की हाथ में कटोरे पकड़े हुए भीख मांग रही थी। वो भीख मांगते मांगते अजमल ताजर की दुकान पर आई। अजमल ने इसके कटोरे के अंदर चंद सिक्के डाले और इसे नज़र भर कर देखा। लड़की ने सिक्के लिए और वहाँ से चली गई, लेकिन अपना दिल अजमल के पास छोड़ गई। शहर का इतना बड़ा ताजर एक भिखारी लड़की पर दिल हार बैठा था। अजमल बड़ा परेशान हो गया और ख़ुद से कहने लगा कि आखिर ये सब कुछ मेरे साथ क्या हो रहा है? आखिर मैं इस भिखारी लड़की के बारे में क्यों सोच रहा हूँ? मुझे अपने रुतबे का ख्याल करना चाहिए। अगर मेरे किसी दोस्त या रिश्तेदार को ये बात पता चल गई कि मैं एक भिखारी औरत पर अपना दिल हार बैठा हूँ
तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन अजमल ने पूरी कोशिश की, लेकिन अब आलात इसके हाथ से निकल चुके थे। 15 दिन गुजर गए, अब इसका अपने काम में बिल्कुल दिल नहीं लगता था। वो इस लड़की को तलाश करने लगा, लेकिन वो लड़की इसे कहीं भी ना मिली। लेकिन वो इस बारे में किसी को बता भी नहीं सकता था, क्योंकि वो इसके रुतबे के खिलाफ थी। 15 दिन के बाद अजमल ने खुद से वादा किया कि मैं अब इस लड़की को तलाश करूंगा और इसके साथ निकाह करूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लड़की भिखारी है या फिर किसी आलीशान घर से ताल्लुक रखती है, बस मुझे अपनी खुशी से लहूलुहाज में अपनी खुशियां हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। लिहाजा अजमल ताजिर अपने घोड़े पर सवार हुआ और इस भिखारी लड़की के बारे में मालूम करने लगा। पता करते करते अजमल कायरा के बाजार के अंदर पहुंचा तो वो एक ताजिर के पास भीख मांग रही थी। अजमल ने इसके बाजू से पकड़ा, इसे अपने घोड़े पर बिठाया और सिकंदरिया के बाजार के अंदर ले आया। जब एक लड़की के हाथ से अजमल को पकड़े हुए बाजार के लोगों ने देखा तो वो अजमल की दुकान पर जमा हो गए और आकर इससे पूछा, अरे मियाँ, तुमने इस लड़की को क्यों पकड़ा हुआ है? क्या इसने तुम्हारी दुकान से कोई चीज तो नहीं चुरा ली? तो अजमल ने सारे बाजार वालों को अपने दिल की कहानी सुना दी। जब इस लड़की को पता चला कि मुझ पर तो एक ताजिर आशिक हो गया है, उसे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि वो एक भिखारी औरत थी और इसको पसंद करने वाला सिकंदरिया शहर का बहुत बड़ा ताजिर था। इसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। अजमल ने इसी वक्त बाजार के अंदर निकाह की तकरीब का ऐलान किया और ज़ोहर की नमाज के बाद इन दोनों का निकाह हो गया। पूरे बाजार के अंदर जश्न मनाया गया, क्योंकि अजमल का असल घर वही बाजार था, क्योंकि अक्सर उसका वक्त बाजार के अंदर गुजरता था, क्योंकि वो घर में अकेला रहता था और इसके घर जाने को बिल्कुल दिल नहीं करता था। इसकी हर खुशी गमी इसी बाजार के ताजरों के साथ होती। बाजार के अंदर आला किस्म के खाने पकाए गए। अजमल ने बाजार के ताजरों, खरीदारों, गरीबों को खूब पेट भर कर खाना खिलाया और इस लड़की को अपनी घोड़ी पर बिठाकर अपने घर ले आया। वो अपनी खुशबाज जिंदगी गुजार रहा था। इसकी शादी को तकरीबन 1 साल गुजर गया। एक दिन अजमल की बीवी ने अपने शोहर से कहा, हजूर, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अजमल ने कहा, तुम मेरी रानी हो और एक रानी सवाल पूछते वक्त इजाजत नहीं मांगती, बताओ तुम क्या पूछना चाहती हो? तो अजमल की बीवी ने कहा, हजूर, हमारी शादी को 1 साल गुजर गया, लेकिन मैं उम्मीद से ना हुई, आखिर वजह क्या है? अजमल ने अपनी बीवी को दिलासा दिया और कहा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, कल हम हकीम साहब के पास चलेंगे और हकीम साहब से मशवरा करेंगे। अगले दिन अजमल दुकान से जल्दी वापस आया, अपनी बीवी को शहर के हकीम के पास ले गया। जब हकीम ने इसकी बीवी का मुआयना किया तो इसने कहा, तुम्हारी बीवी तो माँ बनने के काबिल है, लेकिन आखिर मसला क्या है? तो फिर हकीम को ख्याल आया और इसने अजमल का मुआयना किया। तो मुआयना करने के बाद जो खबर अजमल को मिली, इसके पैरों तले जमीन निकल गई। हकीम साहब ने बताया, ताजिर अजमल, आप अपनी जिंदगी में कभी बाप नहीं बन सकते। ये सुनकर अजमल बहुत परेशान हो गया और कहा, हकीम साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? हकीम ने कहा, मैं दुरुस्त कह रहा हूँ। अजमल को शहर के हकीम पर यकीन ना आया और वो अगले हफ्ते ही एक शहर के बड़े हकीम के पास गया और इसे कहा, आप मेरे मुआयना करें। जब हकीम ने इसका मुआयना किया तो इसने भी वही बात बताई जो उसको अपने शहर के हकीम ने बताई थी। हकीम ने कहा कि अजमल साहब, तुम्हारे अंदर बाप बनने की एहलियत ही ख़त्म हो चुकी है, तुम अपनी ज़िंदगी में कभी बाप नहीं बन सकते। अगर अल्लाह कोई मुआवजा कर दे तो। ये सुनकर अजमल बड़ा परेशान हुआ और अपनी बीवी को बताया। अजमल की बीवी ने अपने शौहर को हिम्मत टूटने के बजाय इसे हिम्मत दिलाई और कहा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, वो कादिर हम दोनों को मिलाने पर कुदरत रख सकता है, तो वो हमें अपनी औलाद से भी नवाजेगा। अपनी बीवी की बातों पर अजमल ताजर बड़ा खुश हुआ और अपनी जिंदगी की तरफ लौट आया। चंद माह गुजर गए। एक दिन अजमल अपने घोड़े पर सवार होकर बाजार से गुजर रहा था। उस वाक्य के बाद भी अजमल पहले से ज्यादा सखी रहम दिल हो गया था। इसे दुनिया के हर इंसान से प्यार होने लगा था। एक दिन अजमल बाजार से गुजर रहा था तो इसने देखा कि रास्ते किनारे एक बूढ़ी औरत, जिसके बाल बिखरे हुए, चेहरे पर चुरियां, खस्ता हाल कपड़े, पाँव में जूते नहीं थे और वो बेटी किसी का इंतजार कर रही थी। अजमल ने इसके सामने सिक्के डाले और चलने लगा तो बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, मुझ में
चलने की सकत नहीं। अगर तुम मुझ पर एहसान कर सकते हो तो मुझे खाने के लिए कुछ ला दो। ये सुनकर अजमल दोबारा अपने कोड़े से उतरा। कहा, अम्मा जान तुम किसका इंतजार कर रही हो, कहाँ रहती हो और आखिर यहाँ क्या कर रही हो? तो इस बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा मेरा इस दुनिया में सिर्फ एक ही इकलौता बेटा था, लेकिन इसकी बीवी के कहने पर इसने मुझे घर से धक्के देकर निकाल दिया, क्योंकि वो समझता है कि मैं उसके घर में नहुसत हूँ और वो मुझे यहाँ छोड़ गया। मुझ में चलने की ताकत नहीं, अगर यही शाम डल जाएगी मैं यही बैठी रहूँगी। यह सुनकर अजमल के दिल में ख्याल आया और कहा, अम्मा जान क्या आप मेरे साथ मेरे घर में चलना चाहेंगे? आप मुझे अपना बेटा समझें। यह सुनकर बूढ़ी औरत की तो दिल बाग उठा और इसने कहा, बेटा अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा। अजमल ने इसको घोड़े पर बिठाया, अपने घर ले आया, अपनी बीवी को हुक्म दिया कि उसको अच्छा लिबास पहनाया जाए और इसके बाद इसको अच्छा खाना दिया जाए, इसके रहने का बंदोबस्त भी किया जाए। अजमल के हुक्म की तामील हुई और वो बूढ़ी औरत अब अजमल के साथ रहने लगी। वक्त गुजरता रहा। एक दिन अजमल शाम के वक्त अपने घर लौटा तो इसने देखा कि उसके घर के अंदर हकीम साहब मौजूद थे। हकीम साहब को देखकर अजमल ने समझा कि शायद बूढ़ी माँ की तबीयत खराब हो गई। लेकिन जब वो अपने घर के अंदर दाखिल हुआ तो इसने देखा कि बूढ़ी अम्मा तो डंडे के सहारे चल रही थी, लेकिन इसकी बीवी नजर नहीं आ रही थी। ये देखकर अजमल की तो होश उड़ गए। अब वो भागता हुआ अपने कमरे के अंदर आया तो इसने देखा कि इसकी बीवी बिस्तर पर लेटी हुई थी। इसकी तबीयत बहुत खराब थी। अजमल बड़ा परेशान हुआ और अपनी बीवी से पूछा, क्या हुआ? तो इसकी बीवी रोने लगी और पुट पुट कर रोने लगी। अजमल मजीद परेशान हो गया और अपनी बीवी से पूछा, बताओ आखिर माजरा क्या है? उसकी बीवी ने कहा, हजूर मुझे माफ कर दें, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। ये सुनकर अजमल बहुत परेशान हो गया और कहा, आखिर वजह क्या है? तो इसकी बीवी ने बताया कि हजूर मैं माँ बनने वाली हूँ। ये सुनकर तो अजमल के हाथ से पानी का प्याला छूटा और जमीन पर गिर गया। इसकी बीवी डर गई और अजमल के चेहरे पर गुस्से को देखकर इसकी बीवी बहुत परेशान हो गई। ये सुनकर अजमल ताजिर बहुत परेशान हुआ और अपनी बीवी को कहा, कसम खाओ इस रब जात की जिसने तुम्हें मेरी जिंदगी में दाखिल किया, बताओ तुमने किसके साथ मुंह काला किया? मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं। तो ये सुनकर के इसकी बीवी ने इसी वक्त दौड़कर अलमारी से कुरान उठाया और अपने सर पर रख कर कहने लगी, ए मेरे हजूर मैं नहीं जानती, मैं इस बारे में जरा भी नहीं जानती। आज तक मैंने आपके अलावा किसी को हाथ तक भी नहीं लगाया और ना ही मेरे जिस्म को किसी ने छूने की जरूरत की। आज तक मैंने ना महरम की तरफ नजर उठाकर नहीं देखा। ये सुनकर अजमल ने कहा, फिर ये क्या है? तो इसकी बीवी रो रो कर कहने लगी, मैं नहीं जानती, मुझे कुछ मालूम नहीं। ये सुनकर अजमल बहुत परेशान हुआ और हकीम साहब को कहा, हकीम साहब क्या ऐसा हो सकता है कि मैं बाप बनने के अहल हो गया हूँ? ये सुनकर हकीम ने कहा, इस रबजात पर भरोसा करो जो सब कुछ करने पर कादिर है। मेरा मशवरा यही है कि तुम अपना मुआयना करवा लो, हो सकता है कि तुम में बाप बनने की अहलियत पैदा हो गई हो। तो ये सुनकर ताजिर ने कहा, हकीम साहब मेरा मुआयना करें। हकीम ने उसी वक्त इसका मुआयना किया, लेकिन जब हकीम ने बताया तो इसके पैरों तले जमीन निकल गई। इसने कहा, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि तुम अपनी जिंदगी में कभी बाप नहीं बन सकते। ये सुनकर अजमल के पैरों तले जमीन निकल गई। वो रोने पीटने लगा और कहा, अब मैं क्या करूँ? अपनी बीवी से पूछता हूँ तो वो कहती है कि मुझे किसी ने आज तक हाथ नहीं लगाया और इसके पेट के अंदर पलने वाला बच्चा इस बात की गवाही देता है कि मेरी बीवी का किरदार पाकीज़ा न रहा। वो बड़ा परेशान रहा, सारी रात रोता रहा, कुछ न खाया कुछ न पिया। रोते रोते इसे ज़मीन पर नींद आ गई। सुबह के वक्त वो अपनी नींद के अंदर एक ख्वाब देखता है। इस ख्वाब में एक बुजुर्ग जिसके चेहरे पर सफ़ेद दाढ़ी घनी जुल्फे चेहरे पर नूर, वो इसके ख्वाब में आता है और कहता है, ए मेरे अजमल तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, तुम मेरे सुल्तान सलाउद्दीन के पास चले जाओ और इसे जाकर अपना मसला बयान करो, लेकिन हाँ इसे सब कुछ बारीकी से बताना, वो तुम्हारी परेशानी को दूर कर देगा। और ये कहकर वो बूढ़ा बुजुर्ग जो कि नूरानी चेहरे वाला अजमल के ख्वाब में आया, वो दूर हो गया। अजमल की खौफ से आंखें खुल गईं। वो इसी वक्त उठा, इधर उधर देखने लगा, लेकिन चंद ही लम्हों में इसको यकीन हो गया कि इसने ख्वाब देखा था।
वह जमीन से उठा, अपने कपड़े झाड़े, नहाया, साफ लिबास पहना और अपने सबसे कीमती घोड़े पर सवार हुआ और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ रवाना हो गया। लेकिन जाते हुए इसने अपनी बीवी को कहा कि अगर तुम पर गुनाह साबित हो गया तो ना सिर्फ मैं तुम्हें तलाक दूंगा बल्कि अपने ही हाथों से तुम्हें कत्ल कर दूंगा। ये सुनकर इसकी बीवी मजीद डरने लगी और अजमल वहां से चला गया। आधे दिन सफर करने के बाद जब अजमल सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की खिदमत के अंदर हाजिर हुआ तो पोट पोट कर रोने लगा। इसने कहा, सुल्तान मुआज़म, आप मेरी मदद करें, दुनिया की हर आसाइश मुझे मुयसर है लेकिन मैं एक ऐसी परेशानी के अंदर गिर गया हूँ कि जिससे निकलने के लिए शायद मेरे अल्लाह ही के बाद आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। ये सुनकर सुल्तान ने कहा, ए अजमल, बताओ आखिर बात क्या है। ये सुनकर अजमल ने कहा, सुल्तान मुआज़म, मेरी बीवी अब उम्मीद से है और यही मेरी सबसे बड़ी परेशानी है। ये सुनकर सुल्तान ने कहा, मुझे तुम्हारी बात की समझ नहीं आ रही, तुम क्या कह रहे हो। अजमल ने कहा, हजूर, मैं अपनी जिंदगी में कभी बाप नहीं बन सकता। और इसके बाद अजमल ने अपनी मुकम्मल कहानी सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को सुनाई। इसने बताया कि किस तरह मैंने इस लड़की को पसंद किया, किस तरह इससे शादी, किस तरह हकीम के पास गया और किस तरह मुझे हकीम ने बताया मैं अपनी जिंदगी में कभी बाप नहीं बन सकता। लेकिन फला दिन में एक बूढ़ी औरत को ले आया और फिर एक माह बाद मेरी बीवी के साथ यह हादसा पेश आया। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी बहुत हैरान और परेशान हो गए और सोचने लगे। बहुत देर सोचने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, ए अजमल, कल तुम मेरे दरबार के अंदर इस बूढ़ी औरत को ले आना, इसके बाद ही मैं तुम्हारा मसले का हल निकाल लूंगा। लेकिन इस वक्त तक तुम ना ही अपनी बीवी से कोई गुफ्तगू करोगे और ना ही इसे कुछ कहोगे। ये सुनकर अजमल बड़ा हैरान हुआ और कहा, सुल्तान मुआज़म, आखिर मेरी बीवी के हमला होने के दरमियान इस बूढ़ी औरत का क्या ताल्लुक है। तो सुल्तान ने कहा, जब हकीकत आश्कार होगी तो सबको पता चल जाएगा। अजमल हैरान हो गया और सारे दरबारी भी हैरान थे कि आखिर इस बूढ़ी औरत का क्या ताल्लुक। अगली सुबह सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह दरबार के अंदर मौजूद थे। दरबार लगा हुआ था। चंद ही लम्हे गुजरे कि अजमल इस बूढ़ी औरत को सुल्तान की खिदमत के अंदर ले आया। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने इस बूढ़ी औरत से बात की। चंद सवालात पूछने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने हुक्म दिया कि तुम इस बूढ़ी औरत को घर के लिए रवाना कर दो। अजमल ने अपने दोस्त सिपाहियों को हुक्म दिया और वो बूढ़ी औरत को, जो कि डंडे के सहारे चल रही थी, इसको घर की तरफ रवाना कर दिया। इसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने अजमल को अपने पास बुलाया और कहा कि कल सुबह जब ये बूढ़ी औरत नहाने के लिए जाए तो तुम इसका पीछा करना और जो मंजर देखना वही आकर मुझे बताना। ये सुनकर अजमल ने कहा, सुल्तान मुआज़म, अस्तग़फिरुल्लाह, ये आप क्या कह रहे हैं। एक औरत को नहाते हुए मैं कैसे देख सकता हूँ। एक मुसलमान और एक मर्द होने के नाते मैं ये काम कभी नहीं कर सकता। तो सुल्तान ने कहा, जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ तुमने ऐसा ही करना है, हकीकत का पता चल जाएगा। सुल्तान का हुक्म वो कैसे टाल सकता था, लिहाजा फौज चला गया। अगली सुबह जब अजमल सुल्तान की खिदमत के अंदर हाजिर हुआ तो इसके चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी थी। इसके पैरों तले जमीन निकली हुई थी और इसने इस बूढ़ी औरत को पकड़ कर घसीट रखा था। ये देखकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा, अजमल क्या हुआ, बताओ तुमने आखिर कल क्या मंजर देखा था। तो ये सुनकर अजमल ने कहा, सुल्तान मुआज़म, कल जब ये बूढ़ी औरत नहाने के लिए गुसलखाने के अंदर गई, गुसलखाने के दराजी से मैंने झांक कर देखा तो सुल्तान मुआज़म मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। हजूर, ये बूढ़ी औरत असल में बूढ़ी औरत नहीं थी बल्कि ये बूढ़ी औरत के रूप में एक नौजवान था जिसने अपना भेस बदला हुआ था। ये इतना शातिर चालाक नौजवान था कि इसने मुझे महसूस ही नहीं होने दिया इसकी आवाज़ बिल्कुल औरतों जैसी और इसकी जिस्मानी हरकत भी यही कहती थी कि ये एक बूढ़ी औरत है। लेकिन ये इतनी ही चालाकी से मुझे बेवकूफ़ बनाए रखा। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा, यही आदमी ही तुम्हारा गुनाहगार है, तुम्हारी बीवी के पेट के अंदर पलने वाला बच्चा इसी का है। तो ताजिर ने कहा, सुल्तान मुआज़म, वो कैसे। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि जब तुम अपनी बीवी के साथ रात के वक्त अम्बिस्ती करते थे तो इसी दौरान ही इसने कुछ किया होगा और चालाकी से तुम्हारे कमरे के अंदर दाखिल हो गया होगा और तुम्हारी बीवी ने समझा होगा
इसके साथ तुम हो, लेकिन अंधेरे की वजह से इसे समझ न लगा होगा और इसने तुम्हारी बीवी को माँ बना दिया। ये सुनकर वो ताजिर सख्त गुस्से में आ गया और इस नौजवान का गला दबाने लगा। तो सुल्तान ने कहा, इसको सजा कानून के मुताबिक दी जाएगी। इसके बाद सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी ने इसको संसार करने का हुक्म दे दिया और इसको कहा, तुम्हारी बीवी के पेट के अंदर पलने वाला बच्चा इसके अंदर ना ही तुम्हारा कोई कसूर है ना ही तुम्हारी बीवी का। बस इसको रब की रजा समझकर अपनी बीवी के पेट में पलने वाले बच्चे की हिफाजत करो और इसी को ही अपना बेटा समझो। ये सुनकर अजमल ताजिर सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी का शुक्रिया अदा करके चला गया और कहा, सुल्तान मुआज़म, अगर आप मुझे रहनुमाई ना करते तो मैं अपनी बीवी को गुनाहगार समझता और मेरी बीवी बेगुनाही में आकर दो सदमात का शिकार होती। और इस तरह सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी ने बड़ी ही अकलमंदी से इस बेरुपये को पकड़ा। मजीद ऐसी सबकमोज वाकियात और कहानियों के लिए हमारे चैनल डेली जमील सीरीज को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।